मैंने तो ब्रेव बल्लू का लास्ट एपिसोड देख भी लिया। उसमें क्या था? ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा। पूरा खाना फिनिश करने का प्रॉमिस किया था तुमने। पहले ब्रेव बल्लू फिर खाना। नहीं, पहले खाना फिर ब्रेव बल्लू। ब्रेव बल्लू मैंने कहा ना, पहले खाना फिर ब्रेव बल्लू। जाओ दो, फिनिश योर फूड, फिर ब्रेव बल्लू बताऊंगा। जाओ, गो 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 गो। बाकी हाय, थैंक यू आने के लिए। बात क्या करनी है बताओ। बाकी चाहे तुम इंस्पेक्टर से जाके पूछ लो, वो वीडियो में जो लड़का ड्रग्स लेता हुआ दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ। आई डोंट नो ईशान, पता नहीं किस पे भरोसा करूँ। तुम पे तो भरोसा करूंगी नहीं मैं, और क्या पता पुलिस को भी तुमने ही पैसे खिलाए हो। मैं कॉप्स को पैसे खिलाऊंगा? बाकी मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। धोखा नहीं, लेकिन झूठे तो हो ना। मैंने पाकी कोई भी झूठ नहीं बोला है। बताओ कल कहाँ थे? अगर झूठ नहीं बोल रहे हो तो बता दो ना, कल कहाँ थे? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? कौन सी इमरजेंसी थी? अगर मैंने करतार सिंह के बारे में बताया तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। नहीं है ना कुछ बोलने के लिए ईशान, धोखेबाज और छोटे इंसान में ना कोई फर्क नहीं होता है। बाकी मैंने कोई धोखा नहीं दिया है यार, सच में ड्यूटी पे था, बस नहीं बता सकता काम। नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी कोई भी बात, प्लीज दोबारा मुझे कभी फोन मत करना ईशान, इट्स ओवर। बाकी 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 प्लीज प्लीज डोंट डू दिस। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार है या था, प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात पे ट्रस्ट कर लो। दोस्त ये कौन है? ये मेरी बहुत स्पेशल फ्रेंड है बाकी। और मैं? तुम मेरी बहुत 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 स्पेशल फ्रेंड हो। किसी फिनिश अब ब्रेव बलून। मैं पहले बाकी को बाय बोल देता हूँ, तब तक तुम अपने एक दोस्त का काम करोगी। प्लीज प्रे करना कि ये हमारी हमेशा वाली बाय ना हो। उसके बाद ब्रेव बलून? पक्का। ये ब्रेव बल्लू की बहुत बड़ी फैन है, इसलिए मैं रोज एक एपिसोड देखे इसे सुनाता हूँ। आज लास्ट एपिसोड सुनाने जा रहा हूँ। प्लीज बाकी इसे हमारी कहानी का लास्ट एपिसोड मत होने देना, प्लीज। भाई देखो ना, अब मार्क्स कम आए तो मैं जीना छोड़ दूँ क्या? और वैसे भी मैं सिर्फ मूवी के लिए परमिशन मांग रही थी ना, आई गेस दादी मुझे पसंद ही नहीं करती। अरे बुरा नहीं मानते, चलो ठीक है, आई हैव अ लिटिल सरप्राइज फॉर यू, लेट मी शो इट टू यू। ओके देयर यू गो। रियली गोस्ट हंटर पार्ट 3? आपको इसकी कॉपी कहाँ से मिली? आपको हमारे साथ देखना पड़ेगा, ओके? Done. Just give me a moment. Yes, I'll text Sonia. हेलो पाखी, मैं नवेली बोल रही हूँ। भाई मेरे साथ मूवी देख रहे हैं, 2 घंटे बाद कॉल करना। हाय, जस्ट अ सेकंड।
मूवी प्लान कैंसिल। लेकिन लिसन, अगले एग्जाम की जाके तैयारी करो। गो। आप सबको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो पाखी को लाइक करे। गो। सॉरी या बोल, मिली अपनी ईशान से? हाँ मैं ईशान से तो मिली, लेकिन डोडो अगर तुम बिजी हो तो मैं बाद में फोन करती हूँ। इट्स ऑल राइट। बाकी कुछ ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है क्या? बोलो, मिली अपने डॉक्टर से? हाँ मिली। डोडो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। ऐसा लग रहा है जैसे दिल और दिमाग के बीच में ना एक बड़ी सी वॉर शुरू हो गई है। दिमाग? दिमाग ईशान के खिलाफ सारे सबूत जानता है, लेकिन फिर भी दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि ईशान बुरा हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा डोडो कि मैं क्या करूं। अगर एक बार को मैं मान भी लूं कि वीडियो में वो लड़का ईशान नहीं कोई और था, लेकिन फिर ईशान मुझे क्यों नहीं बता रहा कि वो कल रात कहाँ था? कल रात के बारे में वो मुझे कुछ बताना क्यों नहीं चाह रहा है? क्यों झूठ बोल रहा है मुझसे? I don't know. तेरी इस कंफ्यूजन को दूर तो करना पड़ेगा पाके। करतार सिंह को बोलना कि कल जब मैं बेबी का चेकअप करने आऊंगा तो ब्लड टेस्ट का एक सैंपल भी लेके जाऊंगा। ठीक है, चलो। ड्रॉप कर सकता हूँ? नहीं यार, मैं वॉक करके निकल जाऊंगा। वो एक्चुअली आजकल जिम जाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। गुड नाइट। क्या हुआ? क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो मुझसे? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं करतार सिंह से मिल रहा हूँ? What? मैं क्या छुपाऊंगा? I'm just kidding. तुम भी ना छोटी छोटी बातें सीरियस हो जाते हो। इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? कम बैठो कार में, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ओके। वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे थे? ये जगह तो हॉस्पिटल से काफी दूर है ना तुम्हारे? या, वो होम विजिट के लिए आया था। होम विजिट? इतने सुनसान में कौन रहता है भाई? One second. तुम ये डिटेक्टिव की तरह क्यों मुझसे सवाल पूछ रहे हो? Nothing like that. Just that की बचपन से मेरी आदत है, मैं लोगों से काफी सवाल पूछता। बचपन से या पाकी के दोस्त बनने के बाद से? I know, तुम अब भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के लिए गलत इंसान तो नहीं। बहुत प्रोटेक्टिव हो ना उसके लिए। सिर्फ मैं नहीं, वो भी काफी वो प्रोटेक्टिव है मेरे लिए। वो क्या है ना, हमारा इक्वेशन ही ना थोड़ा अलग हटके है। लेकिन मैं बिल्कुल हटके नहीं हूँ। I'm just a regular boring doctor. So, जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है कर लो बॉस, कुछ नहीं मिलने वाला। अक्सर शांत पानी के नीचे एक सैलाब छुपा रहता है। Wow. Who would have thought? अगस्त्या रायचंद एक शायर भी। ये टैलेंट मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। डायरी भी मोहब्बत की तरह हर किसी के बस की बात नहीं है। Anyway, तुम शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, अफेयर्स नहीं करते। Anyway, it's too good to be true. जब कोई इंसान इतना सीधा हो तो जरूर कोई ना कोई बात छुपा रहा होता है।
तुम क्या मुझे गलत प्रूफ करने के किसी मिशन पर हो? एब्सोल्युटली तुम भले ही सही हो लेकिन गलत तो मैं तुम्हें प्रूफ करके रहूंगा। आई गॉट यू। कौशिक साहब ने पुलिस में कंप्लेन की तब पता चला कि लड़की तो नकुल के साथ भाग गई है। तभी मैं सोचूं भाभी जी आजकल मॉर्निंग वॉक पे क्यों नहीं आ रही। नकुल के साथ भागी वो? लोग कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि यही इंसान उनका लाइफ पार्टनर है और वो अपनी पूरी लाइफ इसी इंसान के साथ बिता सकते हैं। मतलब डर नहीं लगता क्या कि कहीं अपने लाइफ पार्टनर को पहचानने में कोई गलती हो गई तो? तुझे पता है आज मैं सबको ना मोती महल वाले पनीर बना के खिलाऊंगी। मैं यहाँ प्यार की बातें कर रही हूँ और आप पनीर को लेके बैठी। हाँ जी मैडम, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। भाई मेरा तो ये मानना है कि जान पहचान 2 दिन की हो, 2 महीने की या फिर 2 साल की, बस 2 दिलों के बीच कनेक्शन होना चाहिए। जब 2 दिलों में कनेक्शन हो ना तो पता चल ही जाता है। विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। जैसे मुझे भरोसा है कि आज मेरे पनीर A1 बनेंगे। सो डॉक्टर साहब आपकी डेस्टिनेशन तो आ गई। ये तो बस मकान है बॉस, असली मंजिल तो तुम्हारी दोस्त है। सी थोड़ी सी पोएट्री और थोड़ी मोहब्बत मैं भी कर लेता हूँ। एनीवेज थैंक फॉर द राइड। चलो आओ ना अंदर, कॉफी पिलाता हूँ तुम्हें। नो आई एम गुड थैंक यू, सम अदर टाइम। या गुड नाइट। नाइट। जिस मंजिल की तरफ तुम जा रहे हो वहां तो मैं तुम्हें पहुंचने दूंगा नहीं, क्योंकि बाकी पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। अच्छा अच्छा एक मिनट, अचानक तुझे ये ख्याल कैसे आया कि बंदा सही हो या नहीं हो कैसे पता चलता है? एक्सक्यूज मी, क्या मैं जानती हूँ उस लड़के को? मेरे क्लाइंट का फोन आने वाला है, मैं जाती हूँ। अरे मुझे आज पता चला कि पाखी का असली मतलब क्या है। पाखी मतलब पंछी। पढ़ लेगा, उड़ जा। हाउ इंटरेस्टिंग। मुझे पाखी के बारे में कुछ बात नहीं करनी डैड। क्या हुआ बेटा, झगड़ा हुआ क्या? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है हम दोनों के बीच में। मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो अब भी बहुत अपसेट है। तुमने उसे समझाने के लिए कहां बुलाया? मतलब हॉस्पिटल में बुलाया और कहा? बेटा थोड़ा तो रोमांटिक बन। प्यार मोहब्बत की बातें कोई हॉस्पिटल में करता है क्या? वो तो गरिमत है, इसने उसको ग्लूकोज नहीं दे दिया। देख बेटा किसी भी लड़की का दिल जीतने के लिए ना थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी अच्छी बातें लिखो, कैंडल लाइट डिनर पर बुलाओ, रोमांटिक हिंदी फिल्मों के गाने सुनाओ। तुम्हें पता है? जब तुम्हारी माँ मुझसे नाराज होती थी ना तो मैं नेहरू मार्केट से उसके लिए कचरा ले जाता था। एकदम से खुश हो जाती थी, झगड़ा खत्म। अरे अरे कहाँ जा रहा है? अरे मुझे लगता पाकी गजरा पहनेगी। अरे अब तो नेहरू मार्केट भी बंद हो गया होगा। अरे खाना तो आज तो पनीर बड़ा चकाचक बना है। क्या हुआ, किसका मैसेज है? ग्रू फॉरवर्ड। लो भाई पनीर। पनीर कर। ऐसी फिल्मी हरकतें करके तो लोग लड़कियों को फंसाते हैं।
बाकी तो इसकी बातों में कैसे आ जाती है यार, इतनी इनोसेंट बनी रहेगी ना तो लोग तेरा फायदा उठाएंगे, समझ तू? ट्राई कर लिया मैंने, और ट्राई कर लिया कि बाकी ईशान को हेट करे, लेकिन अब नहीं, अब हमें अपने अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ईशान बाकी को नफरत करना स्टार्ट कर दे। युग, यस बॉस, हॉस्पिटल वाला प्लान रेडी करो। हेलो हेलो दीदी, मैं आयशा बोल रही हूँ। आयशा, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। दोस्त ने मुझे बोला था कि आपने सुपर टीना के सारे एपिसोड देखे ना। हाँ, सुपर टीना। अब हॉस्पिटल आके मुझे स्टोरी सुनाओगी? हाँ पक्का सुनाऊंगी, एक घंटे के अंदर मैं वहाँ आ जाऊंगी। You won't believe it, Dodo. पता है पूरी गाड़ी में ना लाइट्स लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बारात की गाड़ी हो। But honestly, इतने सारे efforts करना, that was really cute. कोशिश तो बहुत करता है तेरा डॉक्टर। हाँ डोडो, और पता है मुझे क्या लगता है, हम दोनों के बीच में जो misunderstandings थी ना, वो सिर्फ मेरी इनसिक्योरिटी की वजह से थी यार। Otherwise, he's really a nice guy. और actually, by the way, मैं अभी ईशान से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ, so I have to get ready. तो मैं बाद में बात करूँ, शाम को कॉल करती हूँ। Yeah, sure. अच्छा listen, वो हॉस्पिटल जाने से पहले एक सैनिटाइजर कैरी कर लियो। यार ना हॉस्पिटल में इन्फेक्शंस बहुत बढ़ गए। अरे डोडो, अब मेरी फिक्र करना छोड़ दो, 24/7 एक डॉक्टर जो है मेरे पास। ओके बाय। युग, बाकी हॉस्पिटल के लिए निकल रही है, तुम हॉस्पिटल के लिए निकलो। एंड माइंड यू, इस बार कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। For me? Thank you, Didi. Welcome. दोस्त, दीदी मेरे लिए गिफ्ट लाई। तुम तो कुछ नहीं लाते। दीदी बहुत अच्छी है। अच्छा, पार्टी बदल ली। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। बाय। जाने क्या करना है? कुछ अच्छा काम करने से पहले मुंह मीठा करना बहुत जरूरी है। चलो नो? और चोर जैसे ही रानी का हार लेके भागने वाला था, वहाँ सुपर टीना आ गई और सुपर टीना ने चुटकी बजाई और चोर गिर गया। मर जाता है? नहीं नहीं, मरता नहीं है, बस गिर जाता है। और फिर जब वो गिर जाता है तो फिर सुपर टीना आती है और चोर से हार छीन लेती है। अब जब आयशा ये पूरा खाना फिनिश करेगी ना, तो ही आगे की कहानी सुनाना। खाना खा। आप खिलाओगी? मेरे हाथ से खाओगी आयशा? ये लो, आ। बट इसको निकालो, नोज में इचिंग होती है। नहीं नहीं आयशा, इसे नहीं निकाल सकते बेटा, इट्स नॉट सेफ ना। थोड़ी सी इचिंग हो रही है ना, बट आयशा इज स्ट्रॉन्ग, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो खाना खा लो। 5 मिनट्स प्लीज। नो आयशा, 5 मिनट्स के लिए निकाल सकते हैं मैडम, कुछ नहीं होगा ना।
पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बिल्कुल. हैप्पी नाउ? हियर यू गो. ओके तो अभी चलो बाइक लो. ऑक्सीजन पाइप. कह रही थी मैं ऑक्सीजन पाइप नहीं निकालना चाहिए था. आयशा इसे लगाओ और लंबी लंबी सांसें लो. लंबी लंबी सांसें लो. हाँ कुछ नहीं होगा. लंबी सांसें लो आयशा. कुछ हो क्यों नहीं रहा ऑक्सीजन पाइप लगाने से. आयशा 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 ब्रीद. फिर से लंबी सांसें लो. आयशा निशान 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 सिस्टर सिस्टर देखिए आयशा को सांस नहीं आ रही है.4 joules. 1, 2, 3. एट्रोपीन का इंजेक्शन लोड क्यों नहीं किया है? फिच. क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें और इसमें कोई फर्क नहीं है. सॉल्यूशन. डन सर. सॉल्यूशन. क्लियर. 1, 2, 3. कैसे हुआ ये सब? सर मुझे नहीं पता. जब मैं आई पाखी मैम यहाँ थी और इसका ये ऑक्सीजन पाइप निकला हुआ था. ऑक्सीजन पाइप क्यों निकाला तुमने? Can you hear me? आयशा, stay away. अब मैं अपने पेशेंट्स की जान के साथ और कोई रिस्क नहीं लूंगा. आयशा. कितना लाइटली लेने वाला केस है ये? हाँ? Sorry sir. उसको कुछ हो जाता तो? थैंक यू मेरे बॉस. आयशा की जान बचाने के लिए थैंक यू. ईशान ईशान I'm really sorry, Ishan, but please trust me. मैंने ये जानबूझ के नहीं किया. आयशा जिद कर रही थी कि उसे ऑक्सीजन मास्क निकालना है. मैंने उसे कहा था कि it's dangerous, पर वो जिद कर रही थी कि वो उसे. आयशा तो बच्ची है, लेकिन तुम में तो अक्कल है ना? ईशान मैंने मेरी मर्जी से वो पाइप नहीं हटाया था. एक नर्स आई थी वार्ड में, उसने मुझे कहा था कि 5 मिनट पाइप निकालने से कुछ नहीं होगा. 5 मिनट क्यों निकाल सकते? तुम पूछो ना उस नर्स. कौन सी नर्स? बाकी कौन सी नर्स? आयशा को यहाँ की हेड नर्स सिस्टर फियोना के अलावा और कोई अटेंड नहीं करता है.
मैंने आज तक किसी ट्रेनी नर्स को उसके आसपास नहीं जाने दिया। And do you know, 3 साल की मेहनत के बाद वो बच्ची अपने पैरों पर फाइनली खड़ी हो रही थी। And तो बस 5 मिनट के लिए उसके साथ थी and you almost killed her, all by mistake. You know what? गलती मेरी है। मुझे तुम्हें उसके पास जाने नहीं देना चाहिए था। शान, प्लीज ऐसा मत कहो। मैंने नहीं निकाला था वो पाइप। सच में फियोना, आज आपने किसी और नर्स को आयशा के रूम में भेजा था? नो डॉक्टर, मेरे अलावा वार्ड के अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं है। नहीं नहीं मैम, सच में एक नर्स आई थी वार्ड के अंदर, उसने मुझसे कहा था कि पाइप 5 मिनट के लिए निकाल सकता है, कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, एक नर्स आई थी। मेरे स्टाफ में से कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता। शान, ट्रस्ट मी, शान, मैंने बाकी अगर गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो। ऐसे झूठे बहाने बनाकर ना मेरी नजरों में और मत गिरो। शान, तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? स्टॉप इट बाकी, जाओ यार यहाँ से, नहीं देखना चाहता मैं तुम्हें। शान प्लीज, शान।